हे गाइस, आज आपको ये वीडियो में किसी भी MIUI डिवाइस के ऊपर कैसे आप MIUI के ब्लैक एंड व्हाइट थीम आप अप्लाई करेंगे आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट थीम आपको बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा सीधा, तो हम लोग जो है कस्टमाइजेबल के ऊपर आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट थीम देंगे, जिधर आप देख सकते हैं इसका आइकॉन से लेकर सिस्टम लेकर नोटिफिकेशन पैनल जो है हर एक चीज आपको इधर डार्क में देखने को मिलता है। इवन अगर आप इधर हम लोग की वीडियो नोटिस कर रहे हैं तो इधर आपको लॉक स्क्रीन जो है वो भी आपको डार्क मोड के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज के बारे में जानने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना तो कंप्लीट वीडियो देखते रहो MIUI यूजर, तो आपको ये सब चीज काफी अच्छे से जानने को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट, आशा कर रहा हूं आपको ये MIUI थीम रिलेटेड जो वीडियो है ये अगर MIUI यूजर हो तो आपको काफी हेल्पफुल होगा एंड हर यूजर को ये एक बार ट्राई करना चाहिए, काफी एक आपका अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपका UI रिलेटेड। तो वीडियो में एक लाइक करो और कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। और चैनल में नए होने पर इस तरह का MIUI रिलेटेड वीडियो, काफी एप्स रिलेटेड वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन बजा दो, तो इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। तो इधर जो थीम आप देख सकते हो ये एकदम डिफॉल्ट MIUI 11 का थीम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है आप देख सकते हो इधर क्लासिक थीम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को जो ये थीम ब्लैक एंड व्हाइट है ये अप्लाई करने के लिए आपको ओवरऑल तीन थीम एप्स का मतलब थीम का जरूरत होगा, ये एक थीम नहीं है, इधर तीन थीम को एक साथ कंबाइन करके ये बनाया गया। तो इसके लिए कौन सा थीम आपको जरूरत होगा, सबसे पहले ये वाला सैमसंग का डार्क DWM4, तो ये वाला को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। नेक्स्ट आपको करना है ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट वर्सन 2.1, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट और एक जो है आपको ये साइलेंस, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। तो ये जो तीन थीम है ये आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए सैमसंग डार्क DWM4 में। तो इधर से जाकर हम लोगों को इधर से आइकॉन को अप्लाई करना है, तो बाकी सबको अनटिक कर दीजिए, होम स्क्रीन सिस्टम एंड जस्ट आइकॉन को अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो थीम है वो है ये ब्लैक एंड व्हाइट 2.1। तो इसका अंदर से हम लोगों को जो है हम लोगों को इधर से सिस्टम को अप्लाई करना है, मतलब ये जो सिस्टम है सिस्टम सेक्शन को जस्ट अप्लाई करना है। तो आप इधर से सिस्टम को अप्लाई कीजिए, तो इधर से हम लोगों को देख सकते हैं अप्लाई हो गया सिस्टम, तो थोड़ा रिबूट हो गया फोन एक बार, सब रिबूट जो होता है। एंड नेक्स्ट जो है हम लोगों को जो होम स्क्रीन होता है, होम स्क्रीन का वॉलपेपर बोलिए, ये सब के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। देखिए सैमसंग का जो इधर का होम स्क्रीन है ये अगर आप चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हैं, एंड नहीं तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का 2.1 है इधर का जो डार्क है एकदम वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपके ऊपर। बट मैं इस कंडीशन में एकदम कंप्लीट डार्क जो है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ये बेस्ट है, तो मैं इसलिए मैं होम स्क्रीन जो है इस ये अप्लाई कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट वालों। तो सिस्टम को अनटिक करके इधर होम स्क्रीन भी अप्लाई हो गया। नेक्स्ट रहता है लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन के लिए हम लोग यूज करेंगे साइलेंस। तो साइलेंस का हम लोग जस्ट लॉक स्क्रीन को अप्लाई करेंगे। तो लॉक स्क्रीन अप्लाई हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, होम में आइए। तो होम में आने पर थोड़ा लोडिंग होगा आपका कंप्लीट UI, तो उस टाइम दीजिए। तो इधर देख सकते हैं कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर आपको ये सब देखने को मिल रहा है, कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट इधर देखने को मिल रहा है। एंड उसके साथ हम लोगों को जो लॉक स्क्रीन है वो भी दिखाना जरूरी है। तो लॉक स्क्रीन में अगर जाएंगे तो हम लोगों को देख सकते हैं इधर जो क्लॉक है, क्लॉक भी हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आपको इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर ये क्लॉक नहीं देखने को मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, इधर जो एक आइकॉन है इधर आप क्लिक कीजिए, तो इधर हो सकता है आपको बाय डिफॉल्ट ये देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इधर से जाइए एंड इसको सिलेक्ट कीजिए, देन आप आ जाइए। तो आप देख सकते हैं इधर से आपको कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर एक इधर क्लॉक देखने को मिल रहा है एंड काफी अच्छा आपको UI इधर देखने को मिल रहा है लॉक स्क्रीन के ऊपर। एंड इसका साथ साथ अगर हम लोग नोटिफिकेशन पैनल देखाएंगे तो इधर भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा काफी अच्छे से, मतलब हर एक सेक्शन जो है आप जो यूज करते हैं हर एक सेक्शन इधर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगा। हालांकि एक ही एरिया है जो सेटिंग्स का एरिया, सेटिंग्स का एरिया किसी तरह इधर चेंज नहीं होता है, बट हम लोग जो सेटिंग्स का यूजेस है बहुत ही लो होता है, जो मेन यूजेस होता है वो सेक्शन हम को काफी अच्छे से इधर ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर गैलरी की बात किया जाए तो नहीं, गैलरी के ऊपर आपको डार्क मोड देखने को नहीं मिलता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आप व्हाट्सएप में जो बाय डिफॉल्ट डार्क मोड है वो इनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर से वो कर सकते। तो ये है कंप्लीट थीम, आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पास किसी तरह एमोलेड डिस्प्ले का फोन है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, K20 हो, K20 Pro नहीं तो और भी कोई MIUI डिवाइस है उसमें ट्राई कीजिए, तो आपको जो बैटरी सेविंग है आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ IPS LCD डिस्प्ले है तो वो भी आप यूज कर सकते। इससे क्या होगा आपका आंख के ऊपर तो स्ट्रेस
प्राइस कम भी आएगा एंड बैटरी जो कंज्यूमर वो भी थोड़ा लो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा एंड हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिए और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट का जरूर आंसर मिल जाएगा। और चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। एंड ये वीडियो जरूर आप दोस्त लोग फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो।